भारत चीन सीमा पर तनाव की खबरों के बीच भारत ने भी अपने सैन्य तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। बीते दिनों अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत ने अपनी एक और शक्तिशाली मिसाइल का टेस्ट किया है। ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल को रात में दाग कर दुश्मनों को चौंका दिया है। एक तरफ पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दूसरे देशों में जाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं भारत दुनिया के सामने एक से बढ़कर एक कारनामे कर रहा है। और इसी कड़ी में 10 जनवरी की रात भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल की क्षमताओं और इसकी सटीकता का टेस्ट किया है। ये एक यूजर ट्रेनिंग लॉन्च था, यानी कमांड में आए नए अधिकारियों को मिसाइल लॉन्चिंग की ट्रेनिंग दी गई। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक रेंज 350 किलोमीटर है। ये मिसाइल सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। ये मिसाइल अपने वॉरहेड पर 500 से 1000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को धोखा देने में भी सक्षम है। साल 2019 से अब तक चौथी बार इसका यूजर नाइट ट्रायल किया गया है। आपको बताएं तो पृथ्वी 2 मिसाइल भारत की सभी मिसाइलों में से सबसे छोटी और हल्की मिसाइल है। इसका वजन 4600 किलोग्राम है, लंबाई करीब 8.56 मीटर है। कम दूरी तक मार करने वाली भारत की ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। कम मारक क्षमता और हल्का होने के बावजूद ये मिसाइल इस श्रेणी की सबसे अहम मिसाइलों में से एक मानी जाती है। पृथ्वी 2 मिसाइल को ही बेस बनाकर DRDO भारत के 2 बड़े मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें प्रलय मिसाइल और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। हाल ही में प्रलय मिसाइल को भारत चीन सीमा पर तैनात करने की भी बात की जा रही थी। वही बात अगर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की करें तो पैड ऐसे मिसाइल हैं जो वायुमंडल के बाहर जाकर दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर सकते हैं, और इसकी रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।